नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 7 की बुक को। ज्योग्राफी की बुक है ये, और जिसका 6 चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं हम, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ती जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा वन पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। गिरिपद मतलब पर्वत के तली में, मतलब पर्वत की ढलान पर जो साल और सागवान के घने वन थे वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए, और ढलानों पर और ज्यादा नीचे आने पर उसने देखा कि पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिख रहे थे। ठीक है, उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। शंकुधारी वृक्ष मतलब जिसका शेप ऊपर से शंकु के जैसा होता है, शंकु के जैसा आकार होता है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। ये लाल लाल वृक्ष कौन से लाल लाल फूल ये कौन से वृक्ष के थे? ये थे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे ये। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। मनाली से आगे रोहतांग दर्रा, ये जो है बर्फीला एरिया है, मतलब ठंडा एरिया है। यहाँ पे घास, छोटी छोटी घास की घास से ढकी हुई थी भूमि, और बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, तो सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है ना। स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं, मतलब कि किसी भी स्थल का ऊंचाई जितना ज्यादा कम या ज्यादा होगा, उसके अनुसार वनस्पति की प्रकृति, वनस्पति की प्रजातियों में अंतर होता जाता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, और जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से वनस्पति में भी परिवर्तन होगा। कह रहा है इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ढाल और मिट्टी की परत, ठीक है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। पहला वन वन है, दूसरा हो गया घास स्थल, और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। देख लेते हैं वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, मतलब तापमान भी अच्छा होना चाहिए और खूब वर्षा भी होनी चाहिए, तभी वहां पे घने वन उगेंगे। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जहाँ पे मतलब न कम न ज्यादा वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में घास स्थल विकसित होते हैं। अब है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम रेगिस्तानी इलाकों में ये देखे जाते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। अब एक नॉलेज वाइट है, क्या अब आप कुछ करके सीखे, है ना, कुछ करके सीखे दे रहा है। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? तो हम बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ वनस्पतियों में अंतर होता जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो शंकुधारी वृक्ष मिलने लगते हैं, और ज्यादा नीचे आते हैं तो घास और बर्फीले एरिया मिलते हैं, है ना।
यही है अंतर। और ऊंचाई पे जहाँ पे वर्षा खूब होती है वहां पे घने वन हैं और लंबे लंबे वृक्ष मिलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। ठीक है, वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। ठीक है, कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई है। ठीक है, वनस्पतियों के पैदा होने के कारकों का पता लगाने के लिए ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। अब देखो, भूगोल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उस जगहों की यात्रा की जाए, भ्रमण की जाए, किया जाए, घूमा जाए। घूमने से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, किसी स्थान की जलवायु, वनस्पति, लोग, क्षेत्र और उस स्थान का एरिया, ये सब चीजें समझने के लिए हमें भूगोल, यानी कि भूगोल को समझने के लिए हमें भ्रमण करना बहुत जरूरी होता है। अगर घूमते हैं तो घूमने से भी ज्ञान बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सलीमा के पिताजी, जो कि महाद्वीप के विभिन्न भागों में घूम चुके थे, बहुत सी जगहों पर वे जा चुके थे और इस कारण वे विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में भी जानते थे जो कि महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाती थी। तो उन्होंने उन सलीमा को विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जलवायु में अंतर होगा तो वनस्पतियों में भी अंतर होगा, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी अंतर होगा। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे एक नॉलेज बाइट है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? चलिए, क्यों ये इस स्टैंजा को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी का फेफड़ा ब्राजील को क्यों कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पे वनों के प्रकार हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3, 6.3 में हम ये देखते हैं, ये घना वृक्ष है, इतने घने होते हैं ये वृक्ष नीचे से लेकर के ऊपर तक, मतलब कि इस तरह से लॉक्ड हो जाती हैं इनकी पत्तियां और ब्रांचेस की, लगता है कि ये आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। और यहाँ तक कि इतने गुत्थम गुत्था हो जाती है कि इन इनसे होकर के सूरज की रोशनी भी जमीन पे नहीं आने पाती है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का मौसम कभी सूखा यहाँ होता ही नहीं। जब सूखा होगा नहीं तो पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ेंगी। पेड़ों की पत्तियां क्यों झड़ जाती है? पर्णपाती वनों में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है एक समय में। क्यों? क्योंकि पेड़ वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि जल को संरक्षित रखने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती। क्यों नहीं झड़ती? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा नमी है, इतना ज्यादा
पानी होता है, वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से पत्तियों को, पेड़ों को अपने पत्ते गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनोस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये नॉलेज बाइट स्पष्ट हो जाएगा। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? वो इसलिए फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं कि ये विशाल कह रहा है, विशाल है, घने हैं। तो ये पृथ्वी, फेफड़े से क्या काम होता है? सांस लेने में मदद मिलती है, उसका मेन फंक्शन ब्रीदिंग का ही होता है। तो ये जो अशुद्धियां होती है वह छनती है फेफड़ों से। तो ये फेफड़े इसलिए कहा गया है कि ये यहाँ पे वन इतने घने हैं, ये पृथ्वी का मतलब कि एक ब्रीदिंग को क्या कह सकते हैं उसे, मतलब कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब कि पॉल्यूशन को, मतलब कि डर्ट को, इन सब चीजों को ये साफ करती हैं। जब पेड़ होंगे तो शुद्ध वायु होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे एक नॉलेज वाइट है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। ऐसे ही घने वनों में एनाकोंडा जैसे जीव भी पाए जाते हैं जो कि मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को भी खा सकता है। ठीक है, अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। चित्र है 6.4, ओके, 6.4, ये रहा ये वाला। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं या गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। देखो 6.5, 6.7 एंड 6.8 में दिखा रहा है ये सारे। बाघ हो गया, ये गोल्डन लंगूर हो गया, और ये है आपका हाथी, एलिफेंट। ओके, यहाँ पे एक नॉलेज बाइट है, सॉरी ये एक्टिविटी है, कुछ करके सीखे है ना, एक्टिविटी करके लर्न करना है। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताए। अच्छा, इंडिया में ढूंढना है आपको, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत की जलवायु उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, तो यहाँ के वन कैसे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन दोनों के आंसर आप ढूंढिए। अब आगे बढ़ते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन है ना, शीतोष्ण सदाबहार वन है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन ये रहा, शीतोष्ण सदाबहार वन ये रहा, ये वाला शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। अब है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। 6.11 में है ये, 6.11, 6.11 ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये रहा शीतोष्ण पर्णपाती वन है ना।
ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एश, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िये यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिजेंट ये हो गया, ये फिजेंट है, फिजेंट ये रहा, फिजेंट और ये रहा मोनल, मोनाल, मोनाल, यस दिस इज मोनाल। मोनाल नाम का एक बर्ड है, छोटा सा होता है, ये मोर के जैसा होता है लेकिन मोर जैसा बड़ा नहीं होता, बड़ा ही खूबसूरत है देखने में, है ना। तो अब फिजेंट और मोनाल हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। अब महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागरों के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है। कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे खेती होती है लोगों के मनमाफिक, है ना। वन हटा दिए गए हैं तो यहाँ पे वन्य जीवन भी बहुत कम है। यहाँ पे एक नॉलेज बाइट है, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान, ठीक है, फलों की टोकरी, फलोद्यान, ये सब भूमध्य सागरीय प्रदेश की जगहों को कहा जाता है। यहाँ पे एक और है, आओ कुछ करके सीखे, अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम का पता करें, कीजिए अब पता आप। शंकुधारी वन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये 6.13 का क और ख वाला जो चित्र है, ये शंकुधारी वन क, ये रहा, पहले तो ये देख लेते हैं क, टैगा, हाँ, शंकुधारी मतलब शंकु जैसा, ऊपर में ये नुकीला हो जाता है इसका, पेड़ों की पत्तियां ऊपर तक जाते जाते नुकीली हो जाती हैं, इनका शेप, है ना। ये हो गया, इनको कह रहा है टैगा, टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ के मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं? चीड़ और देवदार। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक नॉलेज बाइट है, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, ठीक है, शुद्ध या अनछुआ कहते हैं टैगा को। टैगा एक रशियन वर्ड है। अब आते हैं घास स्थल। घास स्थल भी दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा होता है शीतोष्ण घास स्थल। तो पहले हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये भूमध्य वन भूमध्य रेखा के
किसी भी तरफ उगाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल पर हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। 6.15, 6.15 देख लो, 6 उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पहले तो ये देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये रहा, छोटा छोटा है, 3 से 4 मीटर तक भी होता है इसका ऊंचाई, ठीक है। अब 6.15, 6.15 ये रहा जिराफ के, सॉरी जिराफ ये रहा ये। अब आते हैं, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अब है शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। भारत का बड़ा रेगिस्तान बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा? थार है। और रेगिस्तान के जानवर? ऊंट, ऊंट तो सबको पता है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। ये मोटा फर और मोटी चमड़ी किस लिए मिलती है उनको? भगवान के द्वारा ठंडी जलवायु से बचाए रखने के लिए। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। बर्फीली लोमड़ी 6.16 में है। ध्रुवीय भालू ये रहा, वालरस है ना, ये है सील। हाँ अब है कुछ घास स्थल के नाम है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है को पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं। ब्राजील में कंपोस कंपोस कहते हैं। वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। वेनेजुएला में लानोस कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को अर्जेंटीना में पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं। ठीक है, अब आपका चैप्टर ये यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इन क्वेश्चंस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो दो मेन जो कारक हैं, मेन फैक्टर हैं, वो है तापमान और नमी। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है? वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां, हमने अभी भी पढ़ा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ हो गए रोजवुड, आबनूस और महोगनी। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये पर्णपाती वन आमतौर पर मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कह रहा है नींबू वंश यानी सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? ये नींबू वंश के पाए जाते हैं गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु में जहाँ पाई जाती हैं, वैसे स्थलों पर सिट्रस फल उगाई जाती हैं, जैसे कि भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, जैसे यूएसए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताने के लिए कह रहा है।
तो शंकुधारी वन के चार उपयोग हो जाएंगे कि इन वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, सामान्य या अखबारी कागज बनाने, इसके अलावा नरम काष्ठ जो होते हैं, नरम काठ, उनका प्रयोग किया जाता है माचिस और पैकिंग के बक्से बनाने में। ठीक है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं ये, उदाहरण अफ्रीका का सवाना, मध्य अक्षांशों में भी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अभी है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, कुछ आइडिया लगाइए आप लोग, अभी अभी पढ़ा है। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, और ख नंबर है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, और पानी की कमी में अपने जल को बचाए रखने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए पेड़ों की पत्तियाँ जो है वो कांटों की शक्ल में बदल जाती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर होगा। ठीक है, इसके जिराफ तो होंगे नहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत ही घने होते हैं, और जिराफ तो वैसे ही जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, और ऊंट होगा नहीं क्योंकि ये रेगिस्तानी जानवर है, तो ये बंदर ही होगा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति हो जाएगी चीर, है ना, चीर। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, स्टेपी घास स्थल ये सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, सही जोड़े बनाइए। वालरस, वालरस को किससे मिलाइएगा? वालरस है एक ध्रुवीय जानवर है वालरस। देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष है नरम काष्ठ पेड़। जैतून हो जाएगा, कांटेदार झाड़ी हो गई है। और हाथी, हाथी घ, हाथी, हाथी को मिलाएंगे, हाथी को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है ये। और कंपोस, कंपोस हो जाएगा अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, कंपोस। और डाउन्स हो जाएगा, डाउन्स कौन सा है? डाउन्स, डाउन यानी कि डॉन, डॉन, एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा डॉन है, डॉन, डॉन ऑस्ट्रेलिया में है ना, सॉरी, डॉन है कि डाउन्स है? कंपोस हो गया आपको, अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। ये रहा, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, कंपोस, कंपोस, कंपोस है, कंपोस ब्राजील में, सॉरी, कंपोस हो गया आपको ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और डाउन हो गया अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। अब है कारण बताइए, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों होती है? क्योंकि वे मोटी त्वचा उनको ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। तापमान और नमी भी वनस्पति के प्रकार एवं सघनता में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। अब है, हाँ ये तो खत्म हो गया, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, 1 मिनट, नहीं अब नहीं, अब तो ये एक्टिविटीज हैं, ये तो बच्चे खुद ही करके देखेंगे। तो बच्चों अब आपका ये चैप्टर अब समाप्त होता है, अब एक बार और आप इसे खुद से पढ़ जाइएगा, और नेक्स्ट डे फिर आते हैं इसको फेयर कर लेंगे हम लोग। हाँ तो अब ये चैप्टर खत्म हुआ, और मेरे सभी ऑनलाइन दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। एंड लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।